स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में। एक बार फिर से आप सभी के बीच में हूँ। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका था, इसके पहले जो मैंने एनएम के ऊपर जो वीडियो बनाई थी और जिसमें एनएम के बारे में, एनएम के कोर्स के बारे में पूरी जो इन्फॉर्मेशन दी थी, उसमें मैंने बताया था कि एनएम और जीएनएम की जो डिफरेंस है मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट थे जो पूछ रहे थे कि सर एनएम और जीएनएम के बारे में जो डिफरेंस है वो हमें जानना है कि एनएम करने के बाद से क्या जॉब मिलती है और जीएनएम करने के बाद से क्या होती है, क्या कोर्स ड्यूरेशन है, ये सारी चीजें जाननी थी बहुत सारे स्टूडेंट को। तो आज मैं उसी चीज पे बात करने के लिए आप सबके बीच में आया हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप जीएनएम करना चाहते हो, एनएम करना चाहते हो, तो उसके पहले आपको ये वीडियो देख लेना चाहिए। जो भी गर्ल्स हैं या बॉयज हैं जो चाहते हैं कि नर्सिंग के क्षेत्र में एक अच्छा भविष्य बनाए और अच्छा जॉब मिले और अच्छा भविष्य निर्माण करें अपना, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए आज की जो टॉपिक है उसको जान लेते हैं। मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं कि एनएम और जीएनएम के बीच में डिफरेंस क्या है। तो एनएम और जीएनएम के बीच में पूरा डिफरेंस मैं आज आप सभी को अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम डिस्कशन करते हैं एनएम के बारे में, क्योंकि इसके पहले भी मैंने एनएम को अच्छी तरह से समझाया आप सभी को। तो फिर से मैं बता दूं एक बार कि एनएम जो है वो एक डिप्लोमा कोर्स है और जीएनएम भी एक डिप्लोमा कोर्स है, बस कोर्स जो ड्यूरेशन है वो चेंज हो जाता है। अगर एनएम के कोर्स की बात करें तो एनएम जो कोर्स है यह 2 साल का नर्सिंग डिप्लोमा है, नर्सिंग का डिप्लोमा है 2 साल का एनएम। और उसी तरह से अगर इसके क्वालिफिकेशन की बात करें कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अगर आप एनएम करना चाहते हो, तो एनएम करने के लिए आपको कम से कम मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है आपको 10th पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब कि अगर आप 10th पास हो तब भी आप एनएम कर सकते हो, 12th पास है किसी भी सब्जेक्ट से तब भी आप एनएम कर सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो 10th मिनिमम जो क्वालिफिकेशन इसकी है वो 10th जरूरी है। 10th अगर किए हुए तो आप एनएम के लिए एप्लीकेबल हो कर सकते हैं। उसी तरह से अगर एनएम की बात करें कि क्या इसको बॉयज भी कर सकते हैं, तो जी नहीं, बॉयज इसको नहीं कर सकते हैं, इसको बस गर्ल्स कर सकती हैं, लेडीज कर सकती हैं। महिलाओं के लिए कोर्स है क्योंकि इसमें जो भी प्रेगनेंसी के दौरान जो भी केयर की जाती है या डिलीवरी के बाद जो केयर की जाती है महिलाओं की, उसी के लिए इनकी ड्यूटी लगती है, उसी के वही इनका काम होता है। तो इसलिए इसको बस महिलाएं इस कोर्स को कर सकती हैं, पुरुष नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज अगर देखें तो अगर एनएम कर लेते हैं तो आपको अगर गवर्नमेंट जॉब ऑफर होती है, गवर्नमेंट फील्ड में अगर आपको जॉब मिलती है, तो कौन सी जॉब मिलती है, तो उसके लिए आपको सहायक नर्स की जॉब मिलती है। और नेक्स्ट अगर देखें तो ज्यादातर ड्यूटी जो होती है आपको ग्रामीण इलाकों में मिलती है, पीएससी सेंटरों पे मिल सकती है, मतलब कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे मिल सकती है। और कम्युनिटी में जो लोग होते हैं, ज्यादा जो लोग हैं जो डिलीवरी वार्ड में है उनकी, उनमें आपको ड्यूटी मिल जाएगी, वहां पे केयर टेकर करनी होती है वहां पे जो भी पेशेंट है। और अगर सैलरी की बात करेंगे तो अगर गवर्नमेंट सैलरी की बात करें तो 8 से 12 हजार रुपए की सैलरी आप 8 हजार से 12 हजार तक की सैलरी आपको एनएम के तौर पे आपको मिल जाती है। अब चलते हैं दूसरे कोर्स की ओर, जीएनएम की ओर। तो जीएनएम को जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी कहते हैं, सभी को पता होगा। तो उसमें अगर देखें तो ये जो कोर्स है 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है। जी ये 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है। और अगर इंटर्नशिप की बात करें तो इसमें 6 महीने की इंटर्नशिप होती है और इसमें भी 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। और इसमें आपको 12th पास होना इम्पोर्टेंट है, 12th पास करना ही होगा तभी जा करके आप ये कोर्स कर सकते हो। और 12th पास करने के लिए सब्जेक्ट बाउंडेशन नहीं है कि आप किस सब्जेक्ट से हो तो आप जीएनएम करेंगे, आप आर्ट साइंस से हो या बायो से हो तो आप जीएनएम कर सकते हैं। उसी तरह से अगर देखें तो जीएनएम जो है मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं, महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं, लेकिन एनएम बस महिलाएं करती हैं। अगर महिला करती है तो इसको जनरल नर्सिंग मिडवाइफ बोला जाएगा, ये सामान्य नर्स के रूप में अस्पतालों में काम करती हैं। और वहीं पुरुष अगर कर लेते हैं इस कोर्स को तो वार्ड बॉय का जो पोस्ट है इनको मिल जाता है। जीएनएम का जो जीएनएम जो है हॉस्पिटल में सामान्य रूप से नर्स का कार्य करती हैं, सामान्य नर्स जिनको जनरल नर्स बोल सकते हैं, जो कि हेड नर्स के नीचे कार्य करती हैं, वो पोस्ट आपको मिलेगी। अगर नेक्स्ट बात करें तो जनरल जो नर्स हैं वो हॉस्पिटल में नर्स वार्ड में कार्य करेंगी और नर्स के रूप में अस्पताल में भी कार्य कर सकती हैं। अगर इनके सैलरी की बात करें, इनके सैलरी की, तो 15 से 20 हजार मिनिमम सैलरी इनकी होती है, ज्यादा से ज्यादा। बहुत सारे ऐसे नर्सेज हैं जिनकी सैलरी 39 से 40 हजार रुपए भी है, वो वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। एक जो इम्पोर्टेंट जो टर्म है वो मैं आपको बता दूं, इम्पोर्टेंट जो बात है, सबसे जो आवश्यक बात है वो मैं बता दूं,
एलोपैथी से जीएनएम होता था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है। जो मेडिकल फैकल्टी है उस इसको पूरी तरह से बैन कर चुकी है। पूरे भारतवर्ष में ये जो जीएनएम का जो कोर्स है एलोपैथी से होता था वो बैन हो गया है लगभग 5 साल के लिए। अब ऐसा नहीं है कि बैन होने के बाद से आयुर्वेद जीएनएम करा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आयुर्वेद में पहले से भी जीएनएम होता था, जिसको आयुर्वेदिक उपचारिका बोला जाता है। आयुर्वेदिक उपचारिका, तो आयुर्वेद पहले से भी आयुर्वेदिक उपचारिका का कोर्स कराता था। ये भी 3.5 साल का कोर्स है, क्योंकि इसमें आपको 3 साल थियरी पढ़नी पड़ती है और 6 महीने की आपकी इंटर्नशिप इसमें होती थी एलोपैथ के थ्रू। लेकिन कई जगह अगर आयुष मंत्रालय का जो बोर्ड है, वो बोर्ड जो आयुर्वेद का जो बोर्ड है, उसमें कई जगह सिलेबस में 9 महीने भी मेंशन है, 9 मंथ का भी इंटर्नशिप दिखाया गया है, 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, ये बताया गया है, अनिवार्य है। तो अब जो जीएनएम हो रहा है वो आयुर्वेद से हो रहा है। तो अगर अभी भी कोई स्टूडेंट अगर जीएनएम में एडमिशन लेना चाहता है और अगर उसे कोई कहता है कि एलोपैथ से मैं करा दूंगा, तो ये फर्जी है, ये चीज जान लीजिएगा कि एलोपैथ से कभी अभी इस समय जीएनएम नहीं हो रहा है। जब होगा तो उसकी अपडेट मैं आप सभी को दे दूंगा। अभी जो इस सेशन से, पिछले सेशन से जो जीएनएम में एडमिशन हो रहे हैं वो आयुर्वेद से ही हो रहा है, आयुर्वेद से जीएनएम नाम से लोग बोल रहे हैं। लेकिन इसका जो आयुर्वेदिक उपचारिका जो नाम है, हिंदी नाम है आयुर्वेदिक उपचारिका। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर मैं आयुर्वेद से जीएनएम करती हूँ या करता हूँ तो क्या फायदे होंगे। तो आयुर्वेद से भी करेंगे तो कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं होती है, बस चेंजिंग यही है कि आपको अगर गवर्नमेंट जॉब ऑफर होती है तो उसमें आपको आयुर्वेद विभाग दिया जाता है। आयुर्वेद विभाग में आपको बीएमएस के अंडर में कार्य करने होते हैं और सेम कार्य है आपका जैसा आप एलोपैथी डिपार्टमेंट में जुड़ करके काम कर रहे थे। एलोपैथ से जो फीमेल्स हैं डिलीवरी वार्ड में जो आपकी ड्यूटी लग रही थी, उसी तरह के इसमें भी काम करने हैं आपको, सेम वही कार्य है। ऐसा कोई नहीं है कि आपको चेंजिंग हो जाएगी या सैलरी में कोई डिफरेंस मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। चीजें आपको वही चीजें पढ़नी है, बस डिफरेंट यह है कि हिंदी में सारी चीजें हो गई हैं, कुछ संस्कृत के भी सारे चीजें हैं, क्योंकि आयुर्वेद से आप हो तो आपको ये जनरली आपको पता है। इंटर्नशिप जब आप करने जाते हो, 9 महीने की जब इंटर्नशिप होगी आपकी या 6 महीने की जो इंटर्नशिप, अलग अलग कॉलेज हैं, अलग अलग रूल हैं उनके, लेकिन जो बोर्ड का जो रूल है उसमें यही है कि 9 महीने आपको इंटर्नशिप करनी है। तो ट्रेनिंग के दौरान सारी चीजें आपको अच्छी तरह से पता चली जाती है। ऐसा नहीं कि आपको बाउंडेशन दिया गया है कि आप बस आयुर्वेद विभाग में ही आप इंटर्नशिप करोगे, लेकिन रूल ये है कि बीएमएस कॉलेज से आपको इंटर्नशिप करनी है, आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट से करना है, जिसमें आपको आयुर्वेद से रिलेटेड जितनी भी औषधियां हैं उनकी जानकारी हो जानी चाहिए। कैसे औषधि निर्माण करेंगे, पेशेंट को कैसे आयुर्वेदिक औषधियां देंगे, ये सारी चीजें उसमें आपको अच्छी तरह से जान लेनी होती है। और डिलीवरी वार्ड में या लेबर वार्ड में, लेबर रूम में जो भी चीजें होती हैं, प्रसव कराया जाता है, तो उसमें आप अगर अपना सिलेबस पढ़ेंगे, बोर्ड में, बोर्ड ने जो सिलेबस जीएनएम का निर्धारित किया है, अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। फिर से अगर आपको चाहिए कि हाँ इसमें सिलेबस अगर आपको चाहिए, आप जानना चाहते हैं कि इंटर्नशिप में क्या क्या चीजें आपको कराई जाती हैं जीएनएम में, तो मैं आपको वो दे दूंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा 9 महीने की ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या क्या चीजें जाननी होती है आयुर्वेद से अगर आप जीएनएम कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो आशा करता हूं कि जीएनएम और एनएम के बीच में जो डिफरेंस था वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, और जो भी कंफ्यूजन है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो, ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे, और जो भी नॉलेज आपको हमसे चाहिए वो लगातार आपको हमसे मिलती ही रहेगी। जो डाउट्स है उसके समाधान के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, तभी मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊंगा। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूं, मैं बार बार ये चीजें बताते रहता हूं कि कमेंट आपके पढ़ता हूं, तो आप कमेंट कीजिए, आपके जो कंफ्यूजन है उसको मैं जरूर क्लियर करूंगा। धन्यवाद।